इस समय हम मौजूद हैं सावदा गांव में। हम जानेंगे किसानों से, ग्राउंड जीरो पे आज डायनामाइट न्यूज़ की टीम पहुंची है। किसानों से उनकी स्थिति के बारे में बात की जाएगी। देश के अन्नदाता कुछ किसान हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, किस चीज़ की खेती करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं खेती के लिए। मेरा नाम कवल सिंह है और यहाँ पर मेन खेती गेहूँ की और बाजरे की और ये धान की और इसकी गाजर की होती ज़्यादातर जी। और किसानों के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी। दिल्ली के किसान के लिए दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 14 के बाद किसान घाटे में जा रहा है। 14 से पहले किसान को कुछ मिल रहा था, लेकिन आज के टाइम कुछ भी जो भी मिल रहा था वो भी इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा किसानों को 81 से कानून से परेशानी है। अगर 81 खत्म कर दे किसान अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है, हम इस सरकार से खुश नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे, 3 साल पहले किसान आंदोलन भी हुआ था, उसके बाद आंदोलन के बाद क्या कुछ बदलाव आया और सरकार की तरफ से स्कीम्स चलाई जा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आंदोलन का तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें तो अपनी परेशानियाँ हैं कि हमारा आप किसान कह के हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन हम किसान नहीं हैं, क्योंकि किसानी का हमारा कोई दर्जा ही नहीं गवर्नमेंट ने दे रखा। शीला दीक्षित ने ख़त्म कर दिया था कि दिल्ली का कोई किसान नहीं है, ना कोई हमारे सीड्स की दुकानें हैं, ना कोई हमारे को किसी तरह कोई बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से कि किसान है अपनी खेती के लिए ना कुछ सब्सिडी मिले खाद पे, बीज पे, किसी चीज़ पे, या कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये 81 वगैरह टूट जाए तो हमारा भी शायद कुछ गुजारा हो जाए। और गवर्नमेंट से तो हम वैसे मोदी जी से तो बहुत खुश हैं, लेकिन किसानों का अगर वो देखोगे तो मोदी भी क्या करेंगे इसमें, बेचारे कुछ कर दे तो किसानी का दर्जा मिल जाए वापस यहाँ। और जो हमारी ज़मीन है गवर्नमेंट ने ले ली है, सारे BDO ऑफिस के अंडर है वे सब, गांव को उसका कोई फैसिलिटी हमने छोड़ी है वो ज़मीन, हमें उसका कोई अधिकार ही नहीं है, ना हम उसमें अपने पशु चरा सकते हैं, ना उसमें जाके हम खेल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाउंड्री कर ली है गवर्नमेंट ने, तार लगा दिए हैं, घुसने भी नहीं देते, वहाँ छोड़ दिए आदमी उन्होंने अपने। आपका क्या नाम है, किस चीज़ की खेती करते हैं और क्या लगता है कि किस किस तरह की खेती करते समय जब फसल बेचने जाते हैं खेती करने के बाद किस तरह की दिक्कतें मंडी में बाजार में सरकार की हमें स्थिति से कोई फायदा हो रहा है उसकी करते हैं। दिल्ली से पहले लिखा होता था दौलत सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अब वहाँ लिख दिया गया है दिल्ली सरकार। जैसे गांव ने अपनी ज़मीन छोड़ी हुई है ना, जैसे भाई साहब कारे पशु चरा सकते हैं ना, हम उसमें कोई ग्राम सभा में अपना चौपाल वगैरह नहीं बना सकते, कोई खेल ग्राउंड नहीं बना सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमें खुश है, लेकिन जो एक बात ये कह रहे हैं वाइलिस वाइलिस में आता है कि 8-40 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से अगर आप एक किसान को जरूरत पड़ती है एक बीघा बेच दो और अपने बच्चा एडमिशन करा दो, इलाज करा दो, तो किसान को 40 बीघा दूसरे के दाम उतरवानी पड़ेगी अपने परिवार के रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी उसने ज़्यादा पेड करा। जैसे उसका एक बीघे के पैसे में काम चल रहा है तो उसने 3 बीघा बेचनी पड़ेगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से तमाम स्कीम्स चलाई जाती हैं, सालाना किसान निधि योजना, फसल बीमा योजना, इसके जो फ़ायदे हैं वो आप जैसे किसानों तक आखिरी में पहुंच पाते हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, अनाज मंडी से ले गए और आगे तक कोई मतलब किसान को कोई परेशानी नहीं। अगर मोदी जी चाहेगा तो अयोध्या में जाएंगे राम मंदिर देख। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की खेती में करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, सरकार की तरफ से जितनी स्कीम चलाई जाती हैं उस तक सबका फायदा आप तक पहुंच पाता है। अरे भाई जी, मोदी है ना, जो तो बल्ले बल्ले हो रहे किसान आगे देश की सबकी है भी, किसान से लेके गरीब आदमी लेके और बल्ले बल्ले। नाम है आपका, किस चीज़ की खेती? पालेराम, पालेराम गाजर की और प्याज की
और गेहूँ ये खेती करता हूँ, जो की भी करता हूँ जी। किसान हर साल ये सोचता है अब तेरा अगला साल आएगा, तेरी फसल आएगी तो हम कुछ करेंगे नया काम, लेकिन वो बेचारा किसान मर जा है, लेकिन उसका वो समय नहीं आता कि भाई तू ये काम कर ले। छोड़ेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी किस्म की। अब ये गाजर हम मंडी में लेकर जाते हैं, हमारी एक एकड़ पर हमारा 1,10,000 रुपया खर्चा होता है जी लगभग, और बिक्री आओ 1,00,000 रुपये की तो 10,000 तो पल्ले से गए। और मतलब 10,000 पल्ले से गए, हमारी दाढ़ी भी नहीं निकलती, हमारी जो दिहाड़ी होती है वो भी नहीं निकलती। जब मंडी में फसल को लेके जाते हैं तो उसको बेचने में किस तरह की समस्या? उसको बेचने में मुंह से नहीं बोलते बोरी कितने रुपए की है, वो ऐसे पल्ले के नीचे चादर के नीचे हाथ में लाकर उंगली पकड़ते हैं, ये धक्के ये दड़ी, धक्के दड़ी को किसान समझते नहीं, आगे इन्होंने कितने का सौदा बेच दिया और हमारा पर्चा कितने का बनाएंगे। आज गाजर मार्केट में 40 रुपए किलो बिक रही है, हमारे यहाँ सिर्फ 10-12 रुपए किलो के पैसे आ रहे हैं हमारे पास। आड़ती हैं, आड़ती भी बिचौलिया हो गया, जो खरीद कर बेच रहे हैं वो भी बिचौलिया हो गया, केंद्र से किसान पैदा करने वाला मर गया और खाने वाला मर गया। तो क्या लगता है किसान और सरकार के बीच में जो सरकार MSP तय करती है उस पे बेचने जाते नहीं बिकता? नहीं बिकता। अब जो थे जो कि MSP 2200-2300 रुपए है क्विंटल की, हमारा 1800 बिका है, और दो ग्राहक आते हैं शाम को, हम जो है ना आड़ती के पास फोन कर देते हैं भाई कल हम अपना गेहूँ लेकर आ रहे हैं, वो अपने दो आदमी खड़े कर लेगा डेयरी पे, बस वही बोली लगाएंगे, तीसरा कोई नहीं होगा, छोड़ के चल दें फिर। और मंडी में चीज जाने के बाद वो बेचनी पड़ती है, घर ले आके उसका करें क्या, दोबारा पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह नहीं, इतना आपको दोबारा से ले जाना पड़ेगा अगर आप वहीं पे उसको नहीं बेचेंगे, नहीं तो एक तरह की मजबूरी में नहीं, आपको वहीं अगर हम वहाँ नहीं बेचेंगे तो उसको उठा के घर ले आएंगे, फिर उसको दूसरी जगह लेकर जाएंगे, फिर क्या पता वो बिचौलिए दूसरे, वो भी ऐसे ही है। क्या नाम है आपका, किस चीज की खेती करते हैं? हम भाई गेहूं की भी करते हैं, सरसों की भी और गाजर भी बो लेते हैं। जब खेती करते हैं किस किस तरीके की परेशानी का सामना आता है, सरकार से किस तरह की मदद मिलती है? देखो सरकार से तो कोई मदद मिल नहीं रही भाई, अपनी मेहनत से करते हैं, ट्यूबवेल का चलाते हैं, दिन रात पानी दे करते हैं, पानी की कमी है, यहाँ पानी है नहीं, ट्यूबवेल में खारी पानी है। फसल खराब हो जाती है उससे? फसल भी खराब हो जाती है। जब फसल को मंडी में बेचने जाते हैं तब किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वाह भाई, आड़ती भी हमारे को लूटते हैं, तोल में ज़्यादा लेते हैं, गेहूं बेचने जाते हैं तो उसमें तोल में ज़्यादा करते, कांटे में हेरा फेरी करते हैं वो, और जो दाम मिलना चाहिए वो मिल पाता है? वो नहीं मिल पाता, हमारे दिल्ली में तो है ही नहीं ऐसा कि भाई दिल्ली में सरकार खरीद ही नहीं पा रही है, कोई हरियाणा में ले जाएंगे तो बिकेगा नहीं हमारा। MSP जो रेट है सरकारी रेट है उस पर वो कहते हैं कि भाई ये तो हरियाणा वालों का ही है, या UP में ले जाएं तो हम बेच नहीं सकते, अपना दिल्ली में बेचेंगे, व्यापारी उसको हमारे को सस्ता रेट देते हैं, जो सरकारी रेट है उससे मंदा लेंगे। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं स्कीम चलाई जाती हैं उनका फ़ायदा मिल पाता है आप लोगों को? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक, खाद है वो यहाँ ब्लैक में बेचते हैं, हरियाणा से लाना पड़ता है कई बार मिलके, नहीं तो यहाँ तो 100-150 DAP खाद का जो कट्टा है उस पर भी 100-125 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं दुकानदार, या ब्लैक में बेचते हैं, यूरिया खाद हो वो भी ब्लैक में मिलता है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रवीण दबास नाम है। प्रवीण जी, किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी ये गाजर की खेती हो रही है और गेहूँ की खेती भी करते हैं। किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं खेती में? हर तरह की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। जब फसल को तैयार करके मंडी में बेचने जाते हैं वहाँ सही दाम मिल पाता है? नहीं, कोई दाम नहीं मिलते वहाँ पे, सिर्फ नुकसान होता है क्योंकि सरकार अपने मनमर्जी के रेट लगा रखे हैं और हम अब हमारे से सस्ते में खरीद के और वहाँ महंगे में बेचते हैं, वो बाहर बेचते हैं, हमसे सस्ते में खरीदते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह रात दिन रात यहाँ लगे रहना पड़ता है।
व्यापारी है वो भी दे। जो सरकार की तरफ से स्कीम्स चलाई जाती हैं किसानों के लिए, योजनाएं चलाई जा रही हैं इतनी तरह की, उसका फायदा मिल पाता है? कौन सी योजना है आप भी बता दीजिए, हमें तो आज तक कोई योजना मिली नहीं है। सब कुछ खुद करना पड़ता है, सब अरेंज करना पड़ता है, किसी से कर्जा उठाना पड़ता है तब खेती करते हैं, और फिर रेट भी नहीं मिलते फिर उनका कर्जा उतारो, ऐसे हम कर्जे में दबते चले जाते हैं किसान। क्या नाम है जाते? सड़कवीर भाई। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ बोते हैं और तो क्या दाल बो लेते हैं या गेहूँ बो लेते हैं। गेहूँ आप बोते हैं, किस तरह की आपको खेती करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो वह सारी रहती है, पर समस्या तो ये है कि खाद भी टाइम पर मिल ले ज़्यादा काम हो ठीक हो जाएगा, वरना भी मिलता टाइम पर, ये समस्या तो वही था। और गेहूं को जब मंडी में बेचने जाते हैं तब किस तरह की? ना वो कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ तो वह गवर्नमेंट खरीद करती है पहले, तो बाद में बढ़िया लेते हैं, पहले गवर्नमेंट का पूरा हो जाता है तो बाद में बढ़िया खरीदते हैं। और सरकार की तरफ से अगर सुविधाओं की बात की जाए तो किस तरीके की सुविधा मिल रही है? सुविधा ऐसा भाई, बीज खाद पे सब्सिडी मिल जाती है, जो लेनिया है कैश करेगा तो उसको मिलेगी, वैसे घर तो कोई बहुत करता नहीं, जो अपने आप जाके कैश करेगा वो तो मिल जाती है सुविधा, ऐसी बात नहीं, बीज में सब्सिडी मिल जाती है, खाद भी मिल जाती है, धड़े वाला चाहिए ठीक है। तो किसान के लिए ज़्यादा दिक्कत दिल्ली के लिए तो किसान छोड़े ही नहीं, हमें ना बिजली का मीटर में जो है सब्सिडी मिल रही है, ना प्रॉपर बिजली के मीटर कनेक्शन मिल रहे हैं, और पानी की सुविधा नहीं है यहाँ, ना कोई नहर लगती ना कोई और है गवर्नमेंट की वजह से, हाँ जितना कर रहे हैं खुद ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ किसान अपना, ना कोई गवर्नमेंट की ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी है, किसी और इक्विपमेंट के लिए है, हाँ लेकिन अगर ये हमारे लिए जो है ना थोड़ा ओपन कर दे, हम इसमें अपना कुछ व्यापार कर सकें, अपना कुछ काम धंधा और दूसरा शुरू कर सकें, ये सबसे बेस्ट अगर ये हो जाए तो, क्योंकि अगर हम ना तो इसको बेच सकते हैं, इन्होंने ऐसा एक चक्कर भी बना दिया है किसान के लिए कि यहाँ कोई आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता, ना किसान नहीं कर सकता है ना अपना काम धंधा कर सकता है, हमारा लाल डोरा बढ़ जाए हम कुछ इंडस्ट्रीज़ में जाएं, क्योंकि तो किसानों के पास एक या दो एकड़ की ज़मीन है आज के टाइम पे और उसमें गुजारा हो नहीं सकता, गवर्नमेंट को पता है जितने खर्चे होते हैं सबके, उसमें हम अपना कुछ व्यापार धंधा किराया कुछ भी कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा परेशानी, हमारा लाल डोरा बढ़ाए, हमें कुछ मतलब भविष्य के लिए अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ भविष्य करे क्या, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हम, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हमें यही है। किस चीज़ की फसल है और फसल जब कटती है उसके बाद बेचने के क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? एमएसपी होता है, मंडी होता है, एपीएमसी की मंडी भी कहा जाता है, ये तीनों ऑप्शन में कहाँ दिक्कतें आती हैं और कैसे बेचते हैं? सर देखो यहाँ वो बता रहे हैं ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं हम अपनी ज़मीन यहाँ लेते हैं, कुछ तो हम हरियाणा में ही बेच पाते हैं, क्योंकि यहाँ की मंडियों में जब तक ओपन ही नहीं हो पाता हो ना गवर्नमेंट का रेट मिल पाता है, और उनके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पेपर लियाओ वो लियाओ गोदावर से लियाओ उसे, क्योंकि वो गोदावर देता नहीं उस चीज़ को, ना वो कुछ होता है पटवारी घर पे, वो वापस वहीं आ जाता है किसान, और उसको अपने मंदे दाम पे दाएं बाएं वैसे ही फेंकनी पड़ती है, एक हिसाब से कोई मतलब प्रॉपर वो वे नहीं है कि हम जाएँ और वहाँ पर हमारा अच्छी तरह बिक जाए, ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। दिल्ली से तो ये एमएलए राज ही हट जाए तो सबसे बढ़िया है जी, हम तो ये बोले हैं सेंटर गवर्नमेंट में आए, सेंटर की पॉलिसीज़ आए, मास्टर प्लान लागू हो जाए, कुछ ना कुछ मतलब इसका भविष्य तो तैयार हो दिल्ली का, दिल्ली के किसान का तो नाम नाम किसान है, दिल्ली के किसान को तो ये ख़त्म कर चुके, कर्जा ही नहीं है किसान। सुना अपने किसानों का सीधे तौर पर यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो तमाम वादे तमाम स्कीम्स बताई जाती हैं लेकिन यहाँ पर पहुंचकर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़ 3।